अपने बयानों से कंगना रनौत की तरह चर्चा में रहने वाली उनकी बहन रंगोली चंदेल अपने ट्वीट्स के कारण एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार भी उनके निशाने पर फिल्म मेकर करण जौहर हैं। बता दें, कंगना और उनकी बहन रंगोली पहले भी करण पर बॉलीवुड में वधवांश को बढ़ावा देने का आरोप लगा चुके हैं। दरअसल कृतिक कमल आर खान ने हाल ही में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि एक्टर ईशान खट्टर को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन से बाहर कर दिया गया है। कमल ने ट्वीट किया, मेरे सूत्रों के मुताबिक करण जौहर ने ईशान खट्टर को धर्मा प्रोडक्शन से बाहर कर दिया है, क्योंकि ईशान उनके असंभव तरीके से बात कर रहे थे। ऐसे में ईशान के साथ करण अब और फिल्में नहीं बनाएंगे। इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए रंगोली ने दो ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, करण जिस आर्टिस्ट को लॉन्च करते हैं या जिसके साथ काम करते हैं, उसकी कमाई से काफी हिस्सा न सिर्फ खुद लेते हैं, बल्कि उन्हें यह भी बताते हैं कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और किसके साथ सोना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि परसेंटेज कई हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेज भी लेते हैं, लेकिन अपने ब्रांड प्रोपेगेंडा के लिए एक्ट्रेस पर दबाव बनाने की वह किसके साथ पैचअप और ब्रेकअप करे, यह कोई भी सोबरमैनी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। रंगोली ने आगे लिखा, करियर गया भार में पीस ऑफ माइंड ज्यादा महत्वपूर्ण है। खुद की नजरों में से ही गिर जाओगे तो दुनिया के चार पैसे तो कमा लेंगे, मगर सही मायने में कुछ नहीं बन पाओगे। बता दे, ईशान खट्टर ने करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म धड़क में काम किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। इस फिल्म में ईशान के अपोजिट जाह्नवी कपूर नजर आई थी।